फ्रेंड्स, जब भी एग्जाम में लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है, तो वो क्वेश्चन हम कैसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं वो देखते हैं। देखिए, इसकी ट्रिक थोड़ी सी लेंदी है, मतलब सीखने के लिए हम थोड़ी सी टाइम लग सकता है, बट जब हम बनने लगेगी ना, तो बहुत ही आसानी से हम 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, उससे भी कम समय लगेगा। तो देखते हैं पहले कैसे करना है। तो अगर 91 है, 32 की पावर 91 है, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आया, तो सबसे पहले हम 32 की पावर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से सबसे पहले ये देख लेंगे कि लास्ट डिजिट का रिपीटेशन किस पावर में हो रहा है। ठीक है, तो 1 में तो लास्ट डिजिट, यहाँ पे मैं क्या लिखती हूँ, लास्ट डिजिट, अगर छोटी छोटी पावर लेते हैं तो कितना हो रहा है, तो यहाँ पे 32 की पावर 1 है तो 2 ही रहेगा। अच्छा, 32 × 32 जब होगा तो 2 × 2 कितना हो जाएगा, 4। 32 × 32 × 32 जब करेंगे तो कितना रहेगा लास्ट डिजिट, 6। उसी तरीके से 6 × 2 = 8 है, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। अब ये इस तरीके से करके देखने की जरूरत नहीं है, क्या करना, 8 × 2 = 16, 16 का 6 यहाँ, ठीक है, बस लास्ट डिजिट लिख दिया। 6 × 2 = 12 का 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 2 = 16 का 6। फिर से हम क्या देख रहे हैं कि पावर 1 हो या पावर 5 हो, लास्ट डिजिट कितना आया 2, पावर 2 हो या पावर 6 हो, लास्ट डिजिट कितना आया है 4, पावर 3 हो या 7 हो, लास्ट डिजिट कितना आया है 8, पावर 4 हो या 8 हो, लास्ट डिजिट कितना आया है 6। तो हम देख रहे हैं कि पावर इस तरीके से फोर्थ टाइम में जब रिपीट हो रही है, तो हमारा लास्ट डिजिट सेम आ रहा है। मतलब मैं इसको और अगर इस तरीके से लिख लेती हूँ, 1 मिनट में इसको रब कर रही हूँ, इतना नोट कर लीजिए। तो हमने देखा कि पावर 5 1 पर 5 पर इसका फोर्थ टाइम और आगे बढ़ते हैं 9 पर, और इसका फोर्थ टाइम और आगे बढ़ते हैं तो कितना जैसा 13। अब इसको क्या करो, सीधे इसका कर दो, 2 6 10 14 3 7 11 15। ये सिंपल वे है, मतलब याद करने की रखने की जरूरत ही नहीं है, ये नंबरों का खेल है बस। ये इसके लिए लास्ट डिजिट कितना आएगा 2, इसके लिए 4, इसके लिए 8 और इसके लिए 6। ठीक है, अब इतना समझ में आ गया कि अगर इस तरीके की पावर होंगी तो हमारा ऐसे लास्ट डिजिट आने वाला है। अब पावर हमें 91 दी हुई है, पावर 91 दी है, 91 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 × 2 = 8, 4 × 2 = 8, रिमाइंडर जब देखना है कितना आया 3, 3 आया है रिमाइंडर, 3 किस सीरीज में है, ये है, ये 3, लास्ट डिजिट कितना है 8, तो इस नंबर का भी लास्ट डिजिट कितना हो जाएगा 8, बस दैट इज आंसर। देखा, सिंपली हो गया ना सॉल्व। फ्रेंड, मैंने आपको प्रीवियस जो क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसमें पावर जो इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं लास्ट डिजिट फाइंड करने का, उसका एक मेथड बताया था। अभी मैं आपको दूसरी ट्रिक बता रही हूँ, जो उससे भी ज्यादा जल्दी आपका क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे उस ट्रिक से, तो उस ट्रिक को देख लीजिए कैसे करना है। यहाँ पे भी हमें लास्ट डिजिट फाइंड करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये CSIR नेट में जून 2013 में आया था, जून 2013, ये CSIR नेट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल ट्रिक है, देखिए क्या करना है, 7 to the power 73 लिखा हुआ है, तो हम सबसे पहले इस पावर में से -1 करेंगे। पहला स्टेप क्या है, 73 पावर में से -1 कर लेंगे, कितना आ गया 72। उसके बाद ये जो नंबर आया है इसको 4 से डिवाइड करना है हमें, 72 / 4 करेंगे, ध्यान रख देती हूँ मैं, 72 / 4 करना है, 4 × 4 = 4, 4 × 8 = 32, तो हमारा 18 आ गया, रिमाइंडर कितना आया 0, 0 रिमाइंडर आया है, जितना भी रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर जितना भी है इसमें +1 कर दो, है ना, यहाँ पे रिमाइंडर +1 करना है, तो यहाँ हमारा आ गया 1। और ये जो 1 आया है ये हमारा जो बेस है इसके पावर में लगा दो, इस नंबर को 7 की पावर 1 कर दो, तो हमारा लास्ट रिजल्ट आ जाएगा 7, ये आंसर आ गया हमारा।
आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो मैं एक और एग्जाम्पल आपको समझाती हूँ। हेलो फ्रेंड, जो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करवाया था उसमें मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, और मैंने कहा था अगर आपको नहीं आया होगा तो मैं आपको एक और क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करवाऊंगी। तो ये एक क्वेश्चन है, इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इतना बड़ा जो हमें नंबर है तो इसे देखकर डरना नहीं है, हमें सिंपली ट्रिक अप्लाई करनी है जो ट्रिक हमने सीखी है। उसके पहले मैं आपको एक और जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि ये जो ट्रिक है कहाँ अप्लाई होगी। तो अगर हमारे पास इस तरीके का नंबर है, नोट कर लेना, ऐसे नंबर है अगर 0, 1, 5 एंड 6, अगर ये नंबर हमें किसी भी इस तरीके का जो नंबर रहता है ना बेस वाला, जैसे 213 ये वाला एग्जांपल ले लेती हूँ मैं, तो ये जो बेस है अगर इसके वंस डिजिट पे ये वाले कोई भी नंबर है तो चाहे पावर कितनी भी लगी हो यही वाला लास्ट डिजिट आएगा। मतलब इसका यहाँ तो 3 है नहीं। अगर देखिए मैं अगर कोई और नंबर ले लेती हूँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई नंबर लिया 1001 और इसकी पावर मैंने कुछ भी लगा दी, इस तरीके से मैंने पावर लगा दी, तो ये वंस डिजिट पे ये 1 है ना, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा लास्ट, जो इतना बड़ा पावर सॉल्व करने के बाद भी जो आंसर आएगा लास्ट डिजिट में 1 आएगा। अगर 5 वाला कोई ले लेते हैं और यहाँ पे हम कोई भी पावर कर देते हैं इस तरीके से, तो यहाँ पे भी लास्ट डिजिट, यहाँ पे जो 5 दिया है तो लास्ट डिजिट भी 5 आएगा, वही 6 के लिए भी होगा। तो ये नंबर अगर आपको कहीं पे भी दिख जाते हैं वंस डिजिट में, जैसे यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो नहीं है 0, 1, 5, 6, तो यहाँ पे तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। अब अगर सेकेंड रूल है कि अगर हमारे पास है 2, 3, 4, 7 एंड 8, इनमें से अगर कोई नंबर है हमारे पास तो हम ट्रिक अप्लाई करेंगे, है ना, 9 इनको छोड़ करके अगर कोई और नंबर है तो हम ट्रिक अप्लाई करेंगे। तो चलिए ट्रिक जो पहले समझाई थी फिर से मैं उस ट्रिक को आपको बता देती हूँ कैसे करना है। 213 की पावर 16 है, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, पावर में से 1 माइनस करिए, पावर में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, 15 को 4 से डिवाइड करना है, 15 को 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 3 12 3 बच गया, रिमाइंडर जितना आया है उसमें प्लस 1 करेंगे, रिमाइंडर में याद रखना रिमाइंडर प्लस 1 करना है, तो हमारा आ गया 4। ये जो 4 रिमाइंडर आया है इस नंबर के वंस डिजिट, इस नंबर के वंस डिजिट क्या है 3 की पावर 4 कर दो, यहाँ तक हो गया, आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज करेंगे, 20 माइनस 1 कर देंगे 19, 19 को 4 से डिवाइड कर दो, 4 4 16, यहाँ पे कितना आ गया 3, जितना रिमाइंडर आया है उस पे प्लस 1 कर दीजिए, प्लस 1 कर देंगे तो ये 4 बन गया। इस 4 को इसके वंस डिजिट की पावर बना दो, मतलब 2 की पावर 4 बना दो, ये हो गया। सेम चीज यहाँ कर लो, 32 में से 1 माइनस कर देंगे 31 आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड कर दो, 4 7 28, माइनस करेंगे फिर से 3 आ गया, 3 प्लस 1 कर दो, रिमाइंडर में प्लस 1 करना पड़ता है, 4 बना, 4 को किसकी पावर में लगा दो 8 की पावर में लगा दो। इतना समझ में आ गया, इतना सिंप्लीफाई हो गया। अब इसे मैं रिमूव कर देती हूँ, हमारा काम जहां तक था, यहाँ पे था 3 की पावर 4, यहाँ पे आया था 2 की पावर 4 और यहाँ आया था 8 की पावर 4, इस तरीके से ही आए थे हमारे तीनों। अब इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, 3 3 9 9 3 27 27 3 81 2 2 4 4 2 8 8 2 16 8 64 into 64 करना है हमको, हमको तो वंस डिजिट लास्ट डिजिट से मतलब है ना, 6 6 4 4 16, तो हमें यहाँ से मैं सिर्फ 6 लिख दे रही हूँ, मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रही हूँ, सबके लास्ट डिजिट ले लो, 1 into 6 into 6, ये 1 ये 6 और ये 6 से हमारे पास, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई कर दो कितना आ गया 36, उसका भी लास्ट डिजिट ले लो 6, तो इस पूरे का सॉल्यूशन करने पे हमारा आंसर आ गया है 6, आंसर आ गया है 6, सॉरी मैं दिख नहीं रहा है ना आप लोगों को, मैं इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर आया है। ओके, आई होप गाइस कि इस एग्जाम्पल के थ्रू तो आपको बहुत ही अच्छे से आप ये ट्रिक समझ में आई गई होगी। हेलो फ्रेंड्स,
ये न्यू क्वेश्चन है, हम इसको सॉल्व करते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी कि जो प्रीवियस वीडियो में मैंने एक जो क्वेश्चन मल्टीप्लिकेशन वो जो सॉल्व करवाया था, जिसका आंसर लास्ट डिजिट 6 आया था, तो मैं वहां क्वेश्चन में लास्ट डिजिट हम फाइंड कर रहे हैं वो लिखना भूल गई थी। तो वो लास्ट डिजिट था, वो पूरा मल्टीप्लीकेशन का आंसर नहीं था, ठीक है ना। लास्ट डिजिट 6 आया था। ओके, प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यस आया है, सीएसआई नेट का क्वेश्चन है, जून में आया था, जून 2013 का क्वेश्चन है। चूज द लार्जेस्ट नंबर। अब यहाँ पे हमें देख के तो पता चल नहीं रहा है कि कौन सा लार्जेस्ट नंबर होगा, क्योंकि इस तरीके से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है यहाँ पे, क्योंकि 2 की पावर सबसे बड़ी लग रही है, 3 की पावर उससे छोटी। तो अब हम कैसे फाइंड करेंगे? तो एक रूल होता है, ए की पावर एम उसकी पावर एन हो तो हो जाता है ए की पावर एम इंटू एन, ये तो हमने पढ़ाई है पहले। तो हम इसी तरीके से इन सबको ब्रेक करके लिख लेते हैं, 2 की पावर 5 की पावर 100 ऐसे लिख सकते हैं, 3 की पावर 4 होल पावर 100, 4 की पावर 3 होल पावर 100, 5 की पावर 2 इस पूरे की पावर भी 100 कर देते हैं। उसके बाद अब क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा, 32 की पावर 100। 3 की पावर 4 मतलब 3 × 3 × 3 × 3 81 पावर 100, 4 × 4 × 4 64 पावर 100, 5 × 5 25 की पावर 100। अब हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, अब हम देख के बता सकते हैं कि कौन बड़ा है, या ये 81 बड़ा है, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर सही हो गया, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन जो आपको इतना टफ सा दिख रहा है, बट ये बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा, देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करना है। 873 873 में यहाँ पे बहुत सारे सिमिलर पॉइंट दिख रहे हैं, जैसे ये नंबर सेम है, ये सेम है, ये सेम है, ये सेम है। अगर इस तरीके से आप हमें कोई क्वेश्चन दिख रहा है इसी तरीके से, ये चारों सेम है, इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर को ए के सपोज कर लेंगे और दूसरे नंबर को बी के सपोज। अब यहाँ ए इक्वल टू हमने मान लिया है 873 और बी के इक्वल टू हम ले लेंगे 542, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे इन वैल्यूज की जगह पे ए और बी को पुट कर लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा जी प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी। ब्रैकेट ओपन करेंगे, ए स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से 2ab और 2ab कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2ab माइनस 2ab कैंसिल हो गए। उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर 2a² प्लस बी स्क्वायर 2b² हो जाएगा, ओके। और यहाँ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे डिवाइड में है, यहाँ से ऊपर हम न्यूमरेटर से कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल कर दिया, आंसर 2 आ जाएगा। तो आपने देखा कितनी इजीली हम इतने बड़े क्वेश्चन को हमने, मुश्किल से अगर आप खुद से करोगे तो आधा मिनट ही लगेगा, 30 सेकंड में क्वेश्चन आराम से हो जाता। तो देखा आपने कितना इजी क्वेश्चन था ये।